फ्रेंड्स, सुबह सुबह यार फजल की ना तबीयत बहुत ख़राब हो गई। देखो, अभी हम लोग डॉक्टर के पास आए। सुबह से उसको तकरीबन 4 से 5 बार वॉमिटिंग हो गया है। पता नहीं क्या खाया था रात को। ये जो कुरकुरे और ये चिप्स होता है ना, वो सब चीज़ें खाने से रात को वो तकलीफ़ होती है, तो बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। और हम लोग जस्ट अभी सो के उठे, ब्रश करके मैं इसको डॉक्टर के पास लेके आया हूँ। इसकी हालत बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ये देखिए, बाइक में आते आते वापस से यहाँ से भी उल्टी कर दिया। और ये देखिए कैसे बैठेगा। ये देखिए, ये ऐसे ही बैठ के पूरा आया हुआ है घर से। तो अभी मैं डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। फ्रेंड्स, ये हमारी आज हमारा नाश्ता मैं दिखाता हूँ। आज मैं गांव में नाश्ता क्या कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त। मैंने आप तो कभी खाए भी नहीं होगे, दिखाता हूँ मैं। ये हमारा आटे की रोटी है, बेला वो रोटी नहीं है, ऐसे ही पेस्ट बना के बनाया हुआ है डोसे के जैसा। और ये लहसुन मिर्ची और नमक वाला, और इसमें राई का तेल डाल के चटनी बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। ये टुकड़ा हमने लिया, ये हमने इसमें डिप किया और ये खाए भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त। कभी ट्राई करना आप, मगर ये चटनी राई राई का तेल नहीं होगा ना तो नहीं बनेगा। हाँ, सुपर, बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। मतलब काफ़ी सालों बाद खा रहा हूँ, आज घर में सबने यही खाया है। मुझे चाय और पराठा दिए थे, मगर मेरे को ज़रा पसंद नहीं आया। मैंने ये फिर से बनवाने को लगाया कि ये वाली रोटी और चटनी मेरे को चाहिए, तो अब ये मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आज हम लोग फिर से जा रहे हैं बकरे बकरे के लिए, और आज मेरे साथ में है रजत, एक्सपीरियंस वाले हैं। आज मैं इनको कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा कहीं 2-2.5 किलोमीटर और दूर है, उसके बाद वहाँ पे जाके उससे बात करेंगे। वो आज कट जाता है तो आज जगह ही आ जाएगी, और नहीं बचा तो दूसरी जगह पर जाकर मिलेगी। आज फिर से मैं अभी बकरा लेने आया हूँ। सुबह गया था, 3-4 बकरे देखे हमने। एक्चुअली बकरा मिल क्यों नहीं रहा है, हम लोगों को चाहिए देसी बकरा। फार्म वाला बकरा बहुत मिलता है, बट फार्म वाला बकरे में वो बात नहीं होती है जो देसी बकरे में होता है। तो हम लोग देसी बकरा इसके लिए कुर्बानी के लिए ढूंढ रहे हैं, और देखते हैं। अभी सुबह में हो जो गए थे वहाँ फाइनल नहीं हुआ, वो लोग प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, तो उनसे कुछ हो नहीं पाया, वो लोग फाइनल मैं कर नहीं पाया। वो लोगों ने बोला कि भाई हम प्राइस कम नहीं करेंगे। बोला ठीक है भाई, आपकी चीज़ है, मना नहीं कर सकते किसी को। किसान इतनी मेहनत से चीज़ों को पालता है, तो ज़बरदस्ती लेना अच्छा नहीं है। अपने बजट में हो तो लेंगे, नहीं होगा तो हम दूसरे जगह देखेंगे। तो वापस से एक दूसरे जगह पे आया हूँ मैं, उसके इनके छत पे से मैं ले रहा हूँ। ये पूरा देख सकते हो, पूरा जंगल के जैसा एरिया है पूरा, और यहाँ पर ये बकरी पालते हैं, बकरी बकरा पालते हैं। तो किसी ने मुझे कहा कि आप यहाँ जाओ तो इनके पास मिल जाएगा, एक ट्राई करता हूँ। और उनके आप यहाँ पे आ तो चुका हूँ, बट है नहीं, वो शायद अपनी बकरियों को लेके चराने के लिए गए। उनकी बाइक नीचे खड़ी है, मगर वो मिले नहीं मुझे। और ये देखिए मेरे बच्चे, तीनों बच्चे, फैज़ है, अहमद और नदम, तीनों यहाँ पे खड़े हैं। इन तीनों को मैं घुमाने लेके आ गया हूँ। ये देख रहे हैं, ये हमारी मस्जिद है, गैड़ा की मस्जिद है।
और ये पूरा गैड़ा, और ये जो घना जंगल दिख रहा है ये कब्रिस्तान है हमारा। तो इस वो कब्रिस्तान के बाजू से हम आए हुए हैं। ये आपको मैं ये व्यू दिखाता हूँ। ये खेत वेत इन लोगों ने सब जोत लिया है, फाइनल कर दिया है, कुछ फसल लगा दिए होंगे। और ये देखिए पूरा इलाका कितना खूबसूरत है, शांति बहुत ज़बरदस्त है। फ्रेंड्स ये देखिए फैज़ बाइक चला रहा है और हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं। आज मैंने ना अपना वो क्या बोलते हैं अपना, अरे यार गिम्बल लाना भूल गया यार, तो हाथ से शूट करना पड़ रहा है। इनको देखो कितना मज़ा आ रहा है, अरे मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, कितना मज़ा आ रहा है। ये चलो साइड में आ जाओ, बाइक गाड़ी आ रही है, चलो 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 चलो। अच्छा इसको ना मस्जिद में जाना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं 3 दिन से परेशान था कि अच्छा बकरा कहीं मिलेगा, और अच्छा बकरा मिलेगा ना देसी बकरा मिलेगा तो अच्छा रहता है, क्योंकि फार्म वाला बकरा रहता है वो बीमार हो जाता है घर पे लाने के लिए, लाने घर पे लेके आएंगे ना उसके बाद में बीमार हो जाता है। तो आपको पता है कि मैं बहुत कम तकरीबन 3 से 4 दिन से मैं हर जगह जा जा के देख रहा था, कहीं अच्छा लग रहा था तो बकरा पसंद आ रहा था तो प्राइस आगे पीछे हो रहा था, और कहीं बकरा पसंद नहीं आ रहा था, अगर पैसा समझ में आ रहा था तो रेट समझ में आ रहा था तो बकरा पसंद नहीं आ रहा था। तो तकरीबन 3 से 4 दिन तक मैं भटक रहा था, और फाइनली आज सुबह सुबह 2 जगह गया तो एक जगह तो बकरा समझ में आया तो वहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा था, और एक जगह था वो प्राइस कम था तो बकरा बहुत छोटा था, तो मैंने दोनों जगह छोड़ दिया। तीसरी जगह पे गया तो ये देखिए माशाल्लाह ये बकरा लेके आया हूँ मैं, और बहुत मतलब मुझे जैसा चाहिए था वैसा है, एकदम शानदार है, और देसी बकरा है वो बहुत बड़ी बात है। तो देसी बकरा है इसलिए मुझे पसंद आया, और मैं आज तकरीबन 1.25 घंटा हो रहा है ये लाया हूँ उसको, और ये एक ज़रा भी मतलब चूँ चा नहीं, चिल्लाना नहीं, कुछ नहीं। यहाँ से 10 मिनट का डिस्टेंस है, फासला है 10 मिनट का मेरे घर से, वहाँ से हम लोग लेके आए, थोड़ा सा पत्ता लेके हाथ में रस्सी से बांध के लेके आया, फटाफट आ गया भाई, और बहुत ही शानदार है माशाल्लाह, मेरे को तो बहुत पसंद आया, घर में भी सबको पसंद आया। आपको मैं इसके करीब जाके दिखा करीब से दिखाता हूँ आपको, इतना खूबसूरत और इतना तंदुरुस्त है माशाल्लाह कि पूछो मत। फ्रेंड्स ये देखिए इसके लिए मैंने पूरा डाल काट दिया है आम के पेड़ का, क्योंकि आम ख़त्म हो चुका है, तो डाल ये देखिए, इसके सींग देखिए सामने से माशाल्लाह, और ये देसी बकरा है, बहुत ही शानदार है, बहुत ज़्यादा शानदार है। ये देखिए इसके लिए मैं गेहूँ लेके आ रहा हूँ, देखो कैसे गेहूँ खाएगा। ये देखिए बस किसी की नज़र ना लगे, और बकरा ईद तक 10 तारीख तक ये रहे, ये हरियाली जगह पे इसको मैं बांध दिया हूँ, हालांकि कहीं भाग नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, और मैं बैठा हूँ तब से, क्योंकि ये अनजान जगह पे आया तो यहाँ पे बैठे रहना ज़रूरी है, और ये हरियाली को देख के पत्ते वत्ते को देख के भी ये भाग नहीं रहा है। अब मैं इसको ना ये गेहूँ है, ये गेहूँ दे रहा हूँ, इतना करीब आ गया मैं, इतना करीब आ गया हूँ, बहुत ज़बरदस्त। मतलब कोई होता ना तो सींग इतने बड़े बड़े हैं इसके, अगर कोई दूसरा बकरा होता तो मार देता वो, बट ये इतना अच्छा है कि बच्चे भी इसको हाथ लगा रहे, करीब जा रहे, उसको भी नहीं मार रहा ये, तो ये फ़ायदा हो गया गांवटी बकरा देसी बकरा लेने का, ये फ़ायदा होता है। इसके लिए मैं इतना भटक रहा था, अगर बड़े मंडी में जाता तो वहाँ फौरन मिल जाता है, बट वो चीज़ नहीं मिल पाता जो चाहिए। तो फाइनली हमारा इसका नाम क्या रखे यार, सजेस्ट करो, 2-4 दिन 5 दिन बचा हुआ है, इसका नाम सजेस्ट करो कोई, ओके इसका नाम क्या रखे, मगर है माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत तंदुरुस्त है, और बहुत ही प्यारा भी है, देखो ज़रा कुछ कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त। और ये 4 दिन का जो मेहनत था
वो कामयाब हो गया और मुझे जो चाहिए था मिल गया। ओके, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ये देखो, ये धूप में खड़े रहता है सनबाथ के लिए, एकदम फॉरेनर है, देसी बकरा है बट फॉरेनर की तरह धूप में रहता है सनबाथ के लिए। देखो, मैं छाँव में लगा के रखा हूँ इसको, इसका पत्ता पानी सब यहाँ पे छाँव में दे के रखा, बट वो उसको छाँव पसंद नहीं है, बार बार धूप में चला जा रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।